दोस्तों स्वागत है आप सबका। सफर को जारी रखते हुए हम पहुंच चुके हैं ब्यासी। ब्यासी जो पड़ता है टिहरी गढ़वाल में, उत्तराखंड में। आज की वीडियो में आप सबको शिवपुरी से ब्यासी और ब्यासी से कौड़ियाला के बीच में जो नेशनल हाईवे है उसका करंट सिनारियो देखने को मिलेगा। 6 किलोमीटर के अप्रोक्स दूरी है और 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है ट्रैवल करने में। दोस्तों अभी आपको मैंने जो स्लो मोशन में दिखाया, तो क्या होता है ना, जब हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग में सफ़र करते हैं पहाड़ों की तरफ चार धाम यात्रा के दौरान, तो राष्ट्रीय राजमार्ग तो जंगलों के बीच से होते हुए जाता है, तो एनिमल रोड क्रॉस करते हैं, तो आपको अगर आप ओवर स्पीड में या फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं तो एकदम से रिस्क बना रहता है। अब क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको स्लो मोशन में दिखाया तो वो मदर है, तो मदर ने बच्चा पकड़ रखा था और एकदम से रोड क्रॉस कर रहे थे, दूसरी साइड तो देख लेता, अब इधर से मैं आ गया तो एकदम से उसको क्या डर, मैं खुद डर गया था। और ये था कि मेरी स्पीड कम थी तो 20-30 की स्पीड में हो गया, वो बच गया वो मोमेंट। यही स्पीड अगर 80-90 होती या ओवर स्पीड या फास्ट ड्राइविंग होती तो नहीं हो पाता। तो यही तो होता है राष्ट्रीय राजमार्ग में, जो मैं आपको बार बार बोलता हूँ ना, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है और स्पीड को कंट्रोल करके आराम से मज़ा लेते हुए ट्रैवलिंग का, जर्नी का मज़ा लेते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है, आनंद लेते हुए ड्राइव करना है। 6 किलोमीटर के अप्रोक्स दूरी है और 10 से 15 मिनट का समय लग जाता है ट्रैवल करने में। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका। होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी। दोस्तों जब आप लोग ऋषिकेश से पहाड़ों के लिए ट्रैवलिंग शुरू करेंगे तो ऋषिकेश से 35 किलोमीटर की दूरी पर आगे की तरफ आपका शिवपुरी, ब्यासी और कौड़ियाला, ये जो फूड स्टेशंस हैं, आपको ये जगहें देखने को मिलेंगी। गंगा नदी के किनारे ये सारी जगहें बसी हुई हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग इनके बीच से होते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। दोस्तों जब पहाड़ों से गाड़ियां आपकी प्लेन्स के लिए आती हैं तो कौड़ियाला में ढलान ख़त्म होती है और कौड़ियाला से ऋषिकेश तक एकदम समतल रोड है। जब आप लोग ट्रैवलिंग करेंगे तो आपको एकदम से मैरीन ड्राइव जैसा फील आएगा। तो लोग लॉन्ग ड्राइव जर्नी करते करते आपका थक जाते हैं तो इन सभी फूड स्टेशंस पे रुककर आपका लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर करते हैं, उसके बाद फिर जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को भी अगर मौका मिलता है यात्रा के टाइम पर तो यहाँ पर लोगों को अपनी सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा खाना बनता है और आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हुए। दोस्तों दूसरी बात, ये सारी जगहें आपकी रिवर राफ्टिंग, माउंटेनिंग और एडवेंचरस वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी जानी जाती है। अभी तो सीज़न नहीं चल रहा है इसलिए आपको नेशनल हाईवे खाली खाली सा लग रहा हो, पर जब आपका सीज़न आता है ना तो दोस्तों, तो यहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है। हजारों लाखों लोग आपके रिवर राफ्टिंग करने के लिए आते हैं और माउंटेनिंग और गतिविधियाँ होती हैं उनको यहाँ पर उसका आनंद उठाने के लिए देश भर से यहाँ इस वाली जगह पर आते हैं। अब ऋषिकेश इसके यहीं पे पास में पड़ता है ना, तो लोगों को आसानी हो जाती है यहाँ पहुँचने में। और तीसरी बात दोस्तों, ये वाली जगह आने वाले टाइम पर यहाँ पर रेलवे का स्टेशन बनना है, उसका भी कार्य चल ही रहा है, तो उसके नज़रिए से भी ये सारी जगहें इम्पॉर्टेंट हैं। ट्रेन ने फ्यूचर में ऋषिकेश से होते हुए इन सारी जगहों से ब्यासी हो गया, शिवपुरी, ब्यासी, आपका कौड़ियाला, जितने भी ये एरियाज हैं यहाँ से होते हुए पहाड़ों के लिए क्रॉस करना है, आगे के लिए बढ़ना है। दोस्तों कार्य तो आपका 2-3 सालों से चल ही रहा है और इस प्रकार से ऑपरेट किया जाता है कि एक टाइम पर एक तरफ की गाड़ियों को जाने दिया जाता है और फिर जब वो चले जाती हैं, रोड खाली हो जाती है, तो दूसरी तरफ की गाड़ियों को अलाउ किया जाता है पास करने के लिए। इससे क्या होता है, कार्य भी चलता रहता है और जाम की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होती है। 2-3 सालों में यहाँ काफ़ी चेंजेस आ गए हैं इस वाले रूट पर भी। हार्ड माउंटेन रॉक वाला एरिया है और नीचे आपकी गंगा नदी बहती है। अगर आप लोग ट्रैवलिंग के शौकीन हैं और अगर आप लोग धाम की तरफ जा रहे हैं तो नदी पार वाला जो एरिया है, जो पौड़ी गढ़वाल में आता है, वहाँ आपका नीलकंठ महादेव जी का प्राचीन पौराणिक मंदिर है। तो आप लोगों को अगर मौका मिलता है तो आप लोग यहाँ ब्रिज से क्रॉस करते हुए नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करने, महादेव के दर्शन करने के लिए भी ज़रूर जाइएगा। जब आप लोग यात्रा करेंगे बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की, तो आप लोग ऋषिकेश से इसी वाले रूट से होते हुए जाएंगे। तो अब बात करते हैं हम
इसके नियर बाई विलेजेस की। नदी के इस पार वाला एरिया जो पड़ता है टीरी गढ़वाल में, अगर हम यहाँ की बात करें तो अटाली, सिंगताली, बदीर, गंगलासी, ससमान, भैरगढ़, गुलरदोगी पोस्ट ऑफिस है यहाँ आगे पे, वशिष्ठ गुहा टेम्पल है, पिपरी, शिवपुरी हो गया आपका, कौडियाला हो गया, ये इसके फेमस जगह हैं या फिर नियर बाय विलेज एरिया है जो इस वाले रूट पे आपको ट्रैवलिंग के दौरान देखने को मिलेंगे। बनकस्थल हो गया आपका। तो दोस्तों अब बात करते हैं नदी के उस पार वाले एरिया की। तो वहाँ आपका नाकुराची हो गया, कुंद हो गया, नंद हो गया, खैरा, मंजोखी, ततरी, खारीक, सिरसू और भी बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे आप लोग यात्रा करेंगे, आप लोग धामों के लिए, ऋषिकेश से पहाड़ों के लिए, पहाड़ों में इंटर करेंगे, आपको शांति का अनुभव होगा, आपको खुशी महसूस होगी। इसलिए मैं आप सबसे बोलता हूँ कि चार धाम यात्रा पे आइए अपने परिवार के साथ और दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। सफाई का ध्यान रखना है और सच्ची मन और श्रद्धा से यात्रा करनी है। धामों से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए, यही मेरा मोटिव रहता है। अगर आप लोगों ने हाल में इस वाले रूट से ट्रैवलिंग की हो तो क्या आपका एक्सपीरियंस था, आप लोग कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट पढ़ना। तो दोस्तों शिवपुरी मालाकुंती होते हुए हम लोग ब्यासी पहुंचने वाले हैं। ब्यासी से पहले पहले वाला जो रास्ता नहीं है जो जंगलों के बीच से होते हुए जाता है वो है ये, और यहीं पर आपका राष्ट्रीय राजमार्ग के नेशनल हाईवे के लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ जो आप ब्लू कलर में या ग्रीन कलर में जो आप बाउंड्री देखेंगे वो रेलवे की बाउंड्री है। टनल निकलनी है ब्यासी में और यहीं पर आपका इस राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर साइड ही आपका रेलवे का कार्य भी चल रहा है बहुत जोरों से, तेजी से। तो ब्यासी में आपका अच्छा खासा बाजार है, फूड स्टेशन है, आप लोग जब ट्रैवलिंग कर रहे होंगे तो रुकिएगा इन जगहों पर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर जो भी समय है आप लोग वो करिएगा। हम जा रहे हैं अब कौडियाला की तरफ। तो वीडियो को मैंने डिवाइड कर रखा है पोर्शन वाइज, तो आज की वीडियो में मैंने आपको ब्यासी तक की झलक दिखा दी है। तो दोस्तों मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।